हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा तारो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अब देखिए, ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of मार्च टू 20th of मार्च। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 11th to 20th मार्च। लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, यूनिवर्स प्लीज बताइए 11th to 20th मार्च, नेक्स्ट 10 डेज लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। ओके, देखिए सबसे पहले तो सैजिटेरियस, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो काफी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे कोई पाइसिस या कैंसर या स्कॉर्पियो आपके रिलेशनशिप या मैरिज या कनेक्शन या आने वाले कनेक्शंस में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेजर चेंज आने वाला है नेक्स्ट 10 डेज में आपकी लाइफ में। कोई चीज एंटर करने वाली है, कोई इंसान या फिर कोई एग्जिट करने वाला है। कोई है ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो प्रेजेंट है, वो आपको या तो कुछ सच झूठ कर सकता है, माइंड गेम्स प्ले कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास द मून है तो इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है। ये आपको इस तरीके की पिक्चर क्रिएट करे आपके सामने कि जैसे मैं शादी करूंगा तुमसे, बट वो एक्चुअली में सच ना हो। ठीक है, तो दिस पर्सन माइट ट्राई टू पेंट अ सर्टेन काइंड ऑफ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, बट रियलिटी, असलियत उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हो। वो जो बोले उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट सच्चाई हो। तो माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं। थोड़े से ड्रीम्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके ड्रीम्स में काफी मैसेजेस, हिंट्स आपको मिल सकते हैं इस इंसान को लेकर, या ये इंसान आपके साथ सीरियस है नहीं है, या जो आने वाला है आपकी लाइफ में, या दिखा रहा है आप में इंटरेस्ट, चाहे वो आपके पार्टनर है अभी, या फिर कहते ना एक किसी को परस्यू करना। हो सकता है कोई इंसान आपको परस्यू कर रहा है कि अच्छा, यू नो लाइक बी माई गर्लफ्रेंड, बी माई गर्लफ्रेंड, बी माई गर्लफ्रेंड, आई रियली लाइक यू, आई रियली लाइक यू। कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है एंड आपको इंट्यूशन आए, आपका आपके सपने में आपको मैसेज मिले, हिंट मिले कि नहीं, ये इंसान आपको झूठ बोलेगा, ये इंसान आपको झूठ बोल रहा है, आपको चीट कर सकता है आगे जाके, एंड ये मे बी सही ना हो आपके लिए। चेंज इसी तरीके का कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। अब देखिए, जेमिना लिब्रा एक्वेरियस भी काफी सिग्निफिकेंट लग रहा है। हो सकता है इस इंसान को लेकर जो मैनिपुलेशन, इल्यूजन क्रिएट करना, पर्सन हु माइट से डिफरेंट थिंग्स बट मीन समथिंग एल्स, दिस पर्सन माइट डू थिंग्स लाइक दैट। ये आई थिंक इसको लेकर ना आप काफी क्यूरियस होने वाले हो, आप लोगों से पूछने वाले हो इसके बारे में। एक रिव्यू लेना होता है ना कि जरा बताना, वो मुझे आके प्रपोज कर रहा था, जरा तुम बताना कैसा है वो लड़का, मुझे उसके बारे में बताओ। तो आई थिंक आप काफी क्यूरियस हैं इस इंसान को लेकर, एंड आप काफी लोगों से पूछ रहे हैं। मेंटली रेस्टलेस हैं, थोड़े से टेंशन तो नहीं मैं बोलूंगी, बट रेस्टलेसनेस होती है ना कि जरा कोई बताए तो सही, मुझे पता तो लगे कि ये लड़का है कैसा, ये लड़का लड़की पार्टनर बनाने लायक है भी या नहीं। तो वो वाली थोड़ी चीज लग रही है, क्यूरियोसिटी लग रही है, गॉसिप दिख रही है, मेंटली रेस्टलेस दिख रहे हैं, थोड़ी बातचीत ज्यादा हो रही है, लोगों से पूछा पाछी बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो वाली एनर्जी है। देखते हैं हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है, क्या करंट एनर्जीज हैं, वाइब्स, इंटेंशंस टुवर्ड्स सैजिटेरियस। एरीज की क्या इंटेंशन, वाइब्स, एनर्जीज टुवर्ड्स सैजिटेरियस? एरीज को लगता है कि आप सैजिटेरियस, यू आर द परफेक्ट पार्टनर, यू कुड बी द परफेक्ट पार्टनर। आप में वो खूबियां, वो क्वालिटीज हैं जो एक पार्टनर, एक परफेक्ट पार्टनर में होनी चाहिए, चाहे वो रिश्ता निभाने के लिए या एक कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यू हैव इट ऑल। तो वो वाली चीज है। टॉरस की क्या इंटेंशन, क्या एनर्जीज, क्या फीलिंग्स, वाइब्स टुवर्ड्स सैजिटेरियस? हैरान होने के लिए रेडी हो जाइए, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं टॉरस, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ कर सकते हैं। मे बी आप रेडी ना हो, मे बी वो रेडी ना हो, उनको भी आइडिया ना हो कि वो क्या करने वाले हैं, बट प्रेपरेशन कर लीजिए, कुछ तो हैरान हो सकते हैं आप, डिफरेंट हो सकता है कुछ। जेमिनाई की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, फीलिंग्स, वाइब्स टुवर्ड्स सैजिटेरियस? फॉरगिवनेस मांग रहे हैं जेमिनाई आपसे। हो सकता है वो बोले आपको कि प्लीज फॉरगिव मी, आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर आई डिड, जो भी मैंने किया उसके लिए सॉरी। वापस आ जाते हैं साथ में, वापस रिलेशनशिप करते हैं साथ में,
कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपको दूसरे को फॉरगिव करना है नहीं करना है, फॉरगिव करने के बाद उसको लाइफ में वापस लेना है नहीं लेना है, कंप्लीटली आपके ऊपर है। उस चीज को कंपल्सरी मत समझिएगा, क्योंकि एक मैसेज आ गया है यूनिवर्स की तरफ से। कैंसर की क्या एनर्जीज, क्या वाइब्स, क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स सजिटेरियस? काफी ऑप्शंस है कैंसर के पास, मोर देन यू कैन थिंक ऑफ। इफ यू थिंक कि कैंसर के पास दो ऑप्शन है, कैंसर के पास मे बी 20 ऑप्शन है, ठीक है? तो मोर देन यू कैन थिंक ऑफ, काफी आप भी शायद एक ऑप्शन ही हो सकते हैं कैंसर के लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म कनेक्शन सोच के अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो जाए। लियो की क्या एनर्जीज हैं, क्या इंटेंशन फीलिंग्स वाइब्स टूवर्ड्स सैजिटेरियस? कन्फेशन आने वाला है, प्रपोजल आने वाला है। आई हार्ट यू, आई लाइक यू, आई लव यू, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू, आई वॉन्ट टू बी विद यू, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, बट डेफिनेटली पसंद करते हैं आपको, कन्फेस कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। वर्गो की क्या इंटेंशन एनर्जीज फीलिंग्स वाइब्स टूवर्ड्स सैजिटेरियस? वर्गो आपको बहुत पसंद करते हैं, दे फाइंड यू क्वाइट क्यूट अडोरेबल, दे थिंक यू आर वेरी नाइस एंड आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, अडोरेबल लगते हैं आप उनको। लीब्रा की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स वाइब्स टूवर्ड्स सैजिटेरियस? झूठ सच दिख रहा है मुझे, लीब्रा जो बोल रहे हैं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है सच्चाई। तो जो दिख रहा है आपको वो सच्चाई नहीं है, जो दिखाया जा रहा है आपको वो सच्चाई नहीं है। मे बी लीब्रा इज काइंड ऑफ लाइक पेंटिंग अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, बट द रियलिटी द ट्रूथ इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो यू, ठीक है? तो जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कंप्लीटली ऑपोजिट है सच, थिंग्स आर नॉट एज दे प्योर, सिंपल सा मैसेज है। स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशन है, फीलिंग्स एनर्जीज वाइब्स टुवर्ड्स सैजिटेरियस? डोंट बी मिसलेड, हो सकता है स्कॉर्पियो आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हो सकता है आपकी आपके लिए जो सही डायरेक्शन हो वो यहाँ हो एंड स्कॉर्पियो आपको दूसरी डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो मिसलीड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको किसी और चीज पे बिलीव दिलवा रहे हैं जबकि सच्चाई कुछ और है। तो आई थिंक सजिटेरियस आपको ना थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है आसपास बहुत से लोग हैं, एक फॉरगिवनेस मांगने आ रहा है, एक हैरान कर रहा है, एक झूठ बोल रहा है, एक मिसलीड कर रहा है, एक यहाँ पे यू हैव मोर ऑप्शंस तो आप उनके लिए सिर्फ ऑप्शन ही है। तो ध्यान रखने वाली जो एनर्जी है ना, थोड़ा केयरफुल होके आगे चलने वाली, वो थोड़ी सी ज्यादा है। सैजिटेरियस की क्या एनर्जी इंटेंशन फीलिंग्स वाइब्स टूवर्ड्स सैजिटेरियस? हो सकता है मोनोटोनस रूटीन, बोरियत, मोनोटनी हटाने के लिए सैजिटेरियस कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करे, और मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू, गेन योर अटेंशन, आपकी अटेंशन उन पे जाए इस वजह से वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। मे बी दे हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रेस यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे बट इट वॉज नॉट वर्किंग आउट, कुछ काम नहीं कर रहा, तो शायद वो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अब। कैप्रिकॉर्न की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या वाइब्स हैं टूवर्ड्स सैजिटेरियस? फ्रेंडशिप, पहले फ्रेंड देन लवर्स, बट काफी कंफर्ट जोन है, काफी सेफ स्पेस है, कुछ फेक नहीं है, कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं है, कुछ ऊपरी परत नहीं है, नो लेयरिंग, नथिंग, वेरी प्योर फ्रेंड लाइक जो चीज होती है ना, कि कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई बहुत ज्यादा कंफर्ट वाली चीज दिख रही है मुझे। एक्वेरियस, ओके, एक्वेरियस की क्या एनर्जी है, क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस? आई थिंक किसी भी चीज को लेकर अगर आपको टेंशन है कि ये इंसान वापस आएगा नहीं आएगा, चीज ठीक होगी नहीं होगी, पैचअप होगा नहीं होगा, यू नीड नॉट वरी, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी अगर वो इंसान आपके लिए बना है, इफ इट्स मेंट टू बी देन इट विल बी, ठीक है? तो चीज अगर आपकी किस्मत में लिखी गई है और आपकी डेस्टिनी में है तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो चिंता मत करिए, वो चीज ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। पाइसेस की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या वाइब्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस? पाइसेस आपको चूज कर रहे हैं सैजिटेरियस, बाकी ऑप्शंस के आगे वो आपको चूज कर रहे हैं। फैमिली अगर बोल रही है या तो सैजिटेरियस या हम, तो भी वो आपको चूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स के आगे भी वो आपको चूज कर रहे हैं। सारी चीजों में
चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कॉलीग्स हो, चाहे वो वट एवर लाइक लोकेशन प्रेफरेंस, लोकेशन, प्रोफेशन, जॉब, बट वो आपको चूज कर रहे हैं. बाकी ऑप्शंस हो सकते हैं उनके पास, उन ऑप्शंस में से भी वो आपको चूज कर रहे हैं पाइसेस. बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से सैजिटेरियस. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.